कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले कटहल को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने एक बड़े कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल डाल के गरम कर लिया है। अब हम इसमें सारे जो कटहल के पीस हमने रखे हैं वो सारे पीस इसमें ऐड करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारी कटहल की सब्ज़ी बन जाने के बाद भी थोड़ी सख्त रह जाती है, अच्छे से सॉफ्ट नहीं होती है। तो उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया था कि मैंने इन सारे पीस को प्रेशर कुकर में डाल के 2 सीटी आने तक पका लिया था। तो आप भी अगर ऐसा करना चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट अगर डालना चाहें तो डायरेक्ट भी इसे फ्राई कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने सारे कटहल को तल के निकाल लिया है। अब उसी बचे हुए तेल में मैंने यहाँ जीरा, तेजपत्ता और एक सूखी लाल मिर्च ऐड कर दिया है। तो जब जीरा तड़क जाएगा तब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को फ्राई कर लेंगे। ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें हमें ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये देखिए, अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने एक सूखी लाल मिर्च के साथ पीस लिया था, तो इसलिए इसका कलर रेड आया है। और आप चाहें तो बिना मिर्च के भी इसे पीस सकते हैं, या हरी मिर्च के साथ भी आप इसे पीस सकते हैं। तो यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लेने के बाद मैंने देखिए एक यहाँ मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड किया है इसमें। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। और आइए अब एक ज़रूरी स्टेप कर लेते हैं इसके बाद का, कि अब हमें क्या करना है कि अब हम जो फ्राई किए हुए जो कटहल हैं उसे हम सिल के ऊपर रख लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा दबाते हुए हल्का सा इसे चपटा कर लेंगे। और ये देखिए, बस ज़्यादा आपको नहीं करना है, बस थोड़ा सा इस तरह से कर लेना है ताकि इसके रेशे सारे खुल जाएंगे। तो अब देखिए, यहाँ टमाटर भी ऑलमोस्ट भुन चुका है और थोड़ा सा इसे हम और भून लेंगे। तो आइए अब हम इसमें कुछ गरम मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए हल्दी डाला है इसमें, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया, मतलब धनिया पाउडर, और फिर उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है मिर्च, लाल मिर्च पाउडर। तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम फिर से इसे एक बार अच्छे से भून लेंगे। और फिर देखिए, हम इसमें एक मसाला ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे, जो कि मैंने ऐड किया है यहाँ पे दालचीनी, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। इन सभी चीज़ों को मैंने, ये देखिए, मैंने पेस्ट बना लिया था, और इस भुने हुए मसाले में हम इस पेस्ट को ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से फिर से सभी चीज़ों को भून लेंगे। जब मसाला भून के रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे कटहल, और कटहल को ऐड करने के बाद हम इन सभी चीज़ों को फिर से एक बार अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी और नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर लें, और फिर हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। यहाँ देखिए, मैंने जिस पानी में कटहल को उबाला था मैंने वही पानी यहाँ पे ऐड किया है। आपको उस पानी को फेंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जब इस सब्जी में जब रसा लगाएंगे तो आप उसी पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने पानी और नमक ऐड कर दिया है। अब हम कटहल की सब्जी को 8 से 10 मिनट के लिए लो या मीडियम फ्लेम पर ढक के पकने देंगे। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे खोल के एक बार चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, सब्जी एकदम पक के तैयार है। तो देखिए, यहाँ हमने बहुत ही कम तेल और बहुत ही कम गरम मसाले का यूज़ किया है। एक्स्ट्रा कोई भी गरम मसाला इसमें आपको नहीं डालना है। और अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों, ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।